हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरे भाई और बहन, आप सभी को पता है कि पूरे हरियाणा में डेली किसी न किसी जिले के अंदर, शहर के अंदर, गाँव के अंदर डेली डीसी रेट जॉब निकल कर आती है। अगर आपको भी डीसी रेट जॉब के ऊपर लगना है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कोई भी भर्ती आती है उसमें लगना है, तो सबसे पहले सबसे फास्ट आपको अपडेट चाहिए तो कि अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरे भाई गुरुबेन, डीसी रेट जॉब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगने के लिए आपको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। एक से डेढ़ महीने के अंदर आपको हरियाणा में नौकरी मिल सकती है अगर आप थोड़े से अपडेट रहते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से जो भी रिक्रूटमेंट आती है, जो भी नौकरी आती है, उस चीज का फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म भरने का तरीका जो क्या होता है, कि फॉर्म कहां से मिलेगा, कहां पर जमा होगा, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इस टाइप की आपको पूरी जानकारी दी जाती है। फिर भी कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाया करो। वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे जो भी डीसी रेट जॉब आएंगी, कोई भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती आएंगी, कोई भी अपडेट आएगा, सारे अपडेट वहां पर देखने को मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, कोई भी लिंक नहीं मिलता, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें बेझिझक होकर टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके डायरेक्टली आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, अपने छोटे भाई के पास आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका छोटा भाई 24 घंटे आपके सपोर्ट में है। तो अभी जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कोई भी मेरे भाई और बहन आज तक हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आइकन को प्रेस करना। और आपको डेली टाइम टू टाइम समय समय पर जो भी हरियाणा में डीसी रेट जॉब आएंगी, कोई भी कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती आएंगी, सारे अपडेट यहां पर रेगुलर देखने को मिलेंगे। मेरे भाई गुरबेन, आपने देखा भी होगा पिछले 2-4 साल से हरियाणा सरकार ने कोई भी सरकारी नौकरी निकाली नहीं, उसके चलते हेड डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत है। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत है वहां पर डीसी रेट जॉब्स के तहत बच्चे कंटिन्यू भर्ती किए जा रहे हैं। अगर आपको भी जॉब्स की रिक्रूटमेंट है तो बिल्कुल आपको जॉब मिल सकती है एक से डेढ़ महीने में। आपने देखा होगा हरियाणा सरकार ने हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत 26 दिन के अंदर बच्चों को नौकरियां मिल गई, 46 दिन के अंदर नौकरियां मिल गई। मेरा भाई गुरबन, मैं गला फाड़ के अपना चिल्ला चिल्ला के आप सभी को समझाता हुआ ये बोल रहा हूं कि मात्र एक से डेढ़ महीने के अंदर आपको जॉब मिल सकती है अगर आप बिल्कुल करेक्टली फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लिया करो, उसका भी चार्ज लगने वाला नहीं है। ऐसी बातों का कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है, कहीं पर भी कोई भी आपको पे करने का जरूरत नहीं है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रही है। फिर भी मेरे भाई और बहन, अगर आप अपडेट होते हैं तो आपको जरूर जरूर एक से डेढ़ महीने में नौकरी देखने को मिल जाएगी। तो जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू यहां पर आपको बताए जाएंगे, ऐसे ऐसे अपडेट बता दूंगा, ऐसे ऐसे विभाग बता दूंगा, किसी यूट्यूब ने आज तक आपको बताया नहीं होगा। डायरेक्टली आपको मेरिट बेस, इंटरव्यू बेस पर जॉब मिल सकती है पूरे हरियाणा, पूरी दिल्ली, पूरे चंडीगढ़ के अंदर। इतने ज्यादा विभाग है, आपने सोचा भी नहीं होगा, नाम तक नहीं पता होगा, इतने ज्यादा विभाग है। डायरेक्टली आपको मेरिट बेस में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। जो भी रिक्रूटमेंट आती है सबसे पहले सबसे फास्ट आपको गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब इसी टाइप से देखने मिलेगी। तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो। और आज का हमारा बड़ा अपडेट क्या रहने वाला है, एक और बड़ी भर्ती का नोटिस आपके सभी के सामने जारी हो चुका है। हेल्थ विभाग में सीधी भर्ती है, अगर कोई किसी को भी जॉब्स की जरूरत है तो जल्दी से अपना अप्लाई कर लेना। पूरे हरियाणा के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से, क्या रिक्रूटमेंट आई है, क्या अपडेट आया, आपको एक बार डिटेल से बताऊंगा, पूरी वीडियो पर बने रहे। ओके, मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट आप सभी के सामने, ये अपडेट आपको कहीं से ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मेरे भाई और बहन, कोई भी यूट्यूबर से सारी चीजें नहीं बताता है, आपको ऐसे ऐसे अपडेट बता दूंगा, ऐसे ऐसे विभाग बता दूंगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। ये तो आप देखते जाइए, आगे आगे देखना, दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट आती है सबसे पहले आपके बीच में प्रोवाइड किया जाता है। इतने ज्यादा आज के दिन हमारे चैनल से बच्चे जॉब पे सिलेक्टेड है, हजारों की संख्या में बच्चे आज के दिन जॉब लग चुके हैं। मेरे भाई और बहन, अगर आपको भी जॉब लगना है तो बिल्कुल आसानी से लग सकते हैं। आज का बड़ा अपडेट क्या रहने वाला है, हरियाणा स्टेट एड्स जो कंट्रोल सोसाइटी पानीपत के अंदर है, सिविल सर्जन की, वहां पर पानीपत के अंदर ये जॉब निकल कर आई है। एप्लीकेशन आर द इनवाइटेड आज इलिजिबल जो कैंडिडेट है, एंगेज प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये भर्ती होने वाली है। वेरियस पोस्ट प्रोग्राम्स अंडर हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफ द ईयर 2022-23 के अंदर 21-3-2023 तक आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, जिसके आगे आपको जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ाया भी जा सकता है, वहां पर आपको क्लोज भी किया जाता है। जैसा आप काम करेंगे उसी हिसाब से आपको नौकरी के ऊपर रखा जाएगा। यह हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तहत ये भर्ती होने वाली है। द एप्लीकेशन फॉर द कंप्लीट जो रेस्पेक्ट अलोंग द रिक्वेस्ट साइंड डॉक्यूमेंट शुड रीच विद द सबमिटेड ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन पानीपत। ये आपको दिख रहा होगा जो एड्रेस क्या दे रखा है, ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन पानीपत 1-3-2-1-0
3 इस पिन कोड पर आप ना जाके वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा, वहीं पर आपको जमा करवाना पड़ेगा। हरियाणा ऑन द बिफोर 21 दिसंबर शाम के 4 बजे तक आपको वहां पर अपना फॉर्म है वो जमा करवाना पड़ेगा। नंबर ऑफ द डिटेल्स क्या रहने वाली, आपकी जो पोस्ट है वो किस किस पोस्ट पर ये भर्ती रहेगी, पानीपत के अंदर ये जॉब निकल कर आई है, डायरेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी मिलेगी। सिविल सर्जन जो ऑफिस है पानीपत के अंदर वहां पर आपको पहुंचना होगा, वहां से ही आपको फॉर्म मिलेगा, वहीं पर आपको जमा करवाना पड़ेगा। किस पोस्ट के लिए भर्ती आई है एक बार उसके भी मैं आपको डिटेल से बताता हूं। पहली बात तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट रहेंगे। अगर किसी को भी लैब टेक्नीशियन लगना है पानीपत के अंदर तो बिल्कुल आसानी से लग सकता है, जिसके अंदर आपको ICTC नंबर ऑफ द पोस्टें क्या रहेंगी, 2 पोस्टें हैं। एक पोस्ट है तो आपको समालखा के अंदर रहेगी, एक आपको मटलोडा के अंदर पोस्टें देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी मेरे भाई बहन समालखा के आसपास से बिलोंग करता है, मटलोडा के आसपास से बिलोंग करता है, तो बिल्कुल आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, जिसके अंदर आपको फीस भी 0 रुपये रहने वाली है। इसके आगे आपको सैलरी क्या मिलेगी, 21,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। इस पोस्ट के लिए आपको 21,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। ग्रेजुएट जो भी है, BSc जिसने भी कर रखे है, लेबोरेटरी मेडिकल साइंस है जिसके पास में BSc है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। BSc पास वाले कोई भी मेरा भाई ग्रुप बहन सब इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके आगे आपको लेबोरेटरी से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा है मेडिकल लाइन से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट क्या निकल कर आई है, वहां पर काउंसलर की रहने वाली है, ब्लड बैंक पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी पानीपत के अंदर यह भर्ती देखने को मिलेगी। रेड क्रॉस जो सोसाइटी है पानीपत, उसकी 1 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो आप इसी टाइम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की पोस्ट रहेगी ब्लड बैंक के, जहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी पानीपत में है वहाँ की 1 पोस्ट है, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या डाल रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी सोशल वर्कर है, सोशोलॉजी फिजियोलॉजी ये किसी के पास में भी अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन डेवलपमेंट ऑफ द रिगुलराइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास में किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस वगैरह आपको आना चाहिए, मिनिमम आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। जो आपको सिविल सर्जन पानीपत के वहां पर पहुंचना होगा, वहां पर ही आपको फॉर्म दिया जाएगा, वहीं पर आपको जमा करना पड़ेगा। तो मेरे भाई और बहन, ये भर्ती आपको कहीं से ढूंढने से नहीं मिलती है, समालखा मटलोडा के अंदर 1-1 पोस्ट है, इसके आगे आपको जो रेड क्रॉस सोसाइटी पानीपत की है वहां पर 1 पोस्ट देखने को मिलेगी। पानीपत की ये पोस्ट रहने वाली है, पूरे हरियाणा के बच्चे अगर कोई भी लगना चाहता है बिल्कुल आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो सिविल सर्जन पानीपत का ऑफिस है वहीं से आपको फॉर्म देगा, वहीं पर आपने डॉक्यूमेंट ले जाना, फोटोकॉपी जमा करवा के और आपने आ जाना होगा। ये आपका प्रोसेस रहने वाला है, इससे ज्यादा आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। डायरेक्ट आपको जॉब देखने को मिलेगी, किसी प्रकार का कोई भी पेपर होने वाला नहीं है, डायरेक्ट आपको इस भर्ती के लिए सिलेक्शन मिल सकता है। अगर मेरा भाई और बहन किसी को भी जॉब्स की जरूरत है तो उसको भी बता दिया करो किस टाइप की नौकरियां रखे, अगर उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको जॉब मिल जाए तो इससे बड़ा हमें खुशखबरी क्या होने वाली है। तो जो भी मेरा भाई और बहन आज हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ऐसे ऐसे अपडेट आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। पूरे हरियाणा, पूरे चंडीगढ़, पूरे दिल्ली के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट आएगी, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको टाइम टू टाइम समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। अगर आपके छोटे भाई की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।